HUANGTZU, Chuangzu. बोलो. तो च्वांगजू आको प्रणीता हतो, एक महान विभूति थी, या में कोई संदेह नहीं. बहुत खूबसूरत बात वो कह रहे हो. सबसे पहले, ऑल थिंग्स हैव ईच देयर ओन प्रिंसिपल्स. प्रत्येक वस्तु को कुछ अपना अपना स्वभाव है, सिद्धांत है. माने जल को एक अपना सिद्धांत है, जल को एक अपना स्वभाव है कि वो बहे है. और वो अंग्रेजी में जैसे मुहावरा है कि पानी जो है वो लेवल वो अपनो खोजे है, आपको एक अपना स्वभाव है कि जल के वो ऊपर उठे है, वगैरह वगैरह. हर चीज के कुछ अपने अपने, हर एक वस्तु के क्लास वाइज और इंडिविजुअल वाइज अपने अपने अलग अलग स्वभाव हैं. पर ताओ को क्या स्वभाव है? ताओ को स्वभाव क्या है? ताओ को स्वभाव वो क्या है च्वांगजू, कि ये स्वभाव है कि सब स्वभाव उनको वो एक समाहार है. वहां कोई एक स्वभाव नहीं है, जितने स्वभाव हैं एक एक वस्तु के, उन सब वस्तु उनके सब स्वभाव को टोटल सम ताओ है. और वासु भी कुछ ज्यादा है ताओ. तो कह के द प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स इनटू सिंगल एग्रीमेंट. और वहां वो सब स्वभाव आपस में विरोधी होते हुए भी एक एक वस्तु में, ताओ में, सब बड़े एग्रीमेंट में हो रहे हैं. वहां झगड़ा नहीं करें वो स्वभाव में. जैसे आग जो है वो गर्म है और पानी जो है वो ठंडो है. पानी आग को बुझावे, बहुत झगड़ा है आग और पानी को, तो ताओ में दोनों शांति सुर हैं. वहां कोई उनको झगड़ा नहीं है ठंडी और गर्मी को. या बात को अपन फिजिक्स के सेंस में भी समझ सकें और या बात को अपन एपिस्टेमोलॉजी के सेंस में भी समझ सकें. एपिस्टेमोलॉजी माने ज्ञान और संशय को झगड़ा है. जो ज्ञानी है वाको संशय सुमेल, संशय करने वाले सुमेल नहीं खाएगो. जो संशय करने वाला है वाको भ्रांत सुमेल नहीं खाएगो. और जो भ्रांत है वाको निश्चय करने वाले सुमेल नहीं खाएगो. पर ताओ में ज्ञान संशय भ्रांति सब शांति सु रह रहे हैं. या को साइकोलॉजी में भी वही प्रिंसिपल है कि साइकोलॉजी में जो राग कर रहे है वो रागी है, जो द्वेष कर रहे है वो देशी है. पर ताओ क्या है? रागी भी है, द्वेषी भी है, सब कुछ है. वो कोई न केवल रागी है न केवल द्वेषी है, ताओ तो सब कुछ है. देयरफॉर इट कैन बी बोथ एंड वन थिंग. ताओ फिर क्या है? वो सब कुछ है और एक है. एंड इट इज नॉट वन थिंग ओनली. कभी आपको ऐसे मत समझियो कि ताओ एक ही है. वो एक भी है अनेक भी है. सूत्र नंबर च्वांगजू को, ताओ को एक. सूत्र नंबर दो, क्या खूबसूरत बात है च्वांगजू ने कही है 3,500 साल पहले. When the people of the world all know beauty as beauty, there arises the recognition of ugliness. जब दुनिया के आदमी कोई चीज को सौंदर्य तरीके समझ ले हैं, वो सौंदर्य तरीके उनकी समझ के कारण ही कोई कुरूपता पैदा हो रही है. जब दुनिया के आदमी कोई चीज को अच्छी तरह से कुरूप तरीके समझ ले हैं, वाके कारण ही सौंदर्य पैदा हो रहे हो. ताओ कह रहे हो. च्वांगजू कह रहे हो कि जब दुनिया को हर आदमी अच्छो क्या है ये अच्छी तरह से समझ जाए, तब तुरंत बुरो क्या है उनको समझ में आ जाए. और जब बुरो क्या है वो अच्छी तरह से समझ जाए, तब उनको तुरंत ये समझ में आ जाए कि अच्छो क्या है. या के लिए वो क्या है कि जो है
और जो नहीं है वो दोनों एक दूसरे को पैदा करें। है सु नहीं है पैदा हुए है, और नहीं है सु है पैदा हुए। वाको उदाहरण दे है कि जो लंबो है वासु टूको पैदा हुए और टूके से लंबो पैदा हुए, क्योंकि कोई एक लाइन टूकी है, वाके ही कंपैरिजन में कोई लंबी लाइन बनेगी ना, और कोई लाइन लंबी है वासु छोटी, अपन ने टूकी लाइन ड्रॉ करी तो वो टूकी कहलाएगी। तो लंबे से टूको पैदा हुआ है, टूके से लंबो पैदा हुआ है, ऊंचे से नीचो पैदा हुआ है, नीचे से ऊंचो पैदा हुआ है, फ्रंट से बैक पैदा हुआ है, बैक से फ्रंट पैदा हुआ है। या इन उदाहरण के आधार पर तुम समझ जाओ कि जब तुम कोई चीज को फ्रंट समझ रहे हो मतलब के वहां को कुछ ना कुछ बैक होना चाहिए, क्योंकि यदि तुमने फ्रंट समझे कोई चीज को, कोई चीज को ये फ्रंट है, तो वो बिना बैक वाके समझे तुमको फ्रंट होने को ख्याल ही नहीं आएगा। कोई चीज को तुम बैक समझ रहे हो मतलब कि कोई ना कोई वाको फ्रंट होना चाहिए। ये चुआंगजू कह रहे हो या के लिए। अब देखो ये तो वाको माने मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी वगैरह को है। वासु वो मॉरल और रिलीजन क्या डिराइव कर रहे हो वो देखो कि जो संत पुरुष है वाको क्या स्वरूप। हाँ तीसरो एक दो तीन नहीं चौथो ताओ को चौथो देखो ताओ को पहलो है तो कि हर चीज को अपना अपना अलग स्वभाव है, पर ताओ सर्व स्वभाव है। ताओ को दूसरो है तो कि जब तुमको बदसूरती समझ में आ जाएगी तो खूबसूरती समझ में आ जाएगी। ताओ को तीसरो है तो कि असत सु सत पैदा हो रहे है, सत सु सत पैदा हो रहे है, जैसे बोलियो ना मैं असत सु सत पैदा हो रहा। अरे भाई बोलियो क्यों अन्याय कर रहे हो हैं? हाँ वो असत सु सत पैदा हो रहे हो, वो आपको तीसरो विधान है। असत सु सत पैदा हो रहे हो है, सत सु सत असत पैदा हो रहे हो। वाक्य उदाहरण में मानी कहीं लंबे से टूको पैदा हो रहे हो है, ऊंचे से नीचे पैदा हो रहे हो है, और बैक से फ्रंट पैदा हो रहे हो। ये वाको तीसरो सूत्र है चुआंगजू को। और या तीसरे सूत्र के बाद चौथे सूत्र वो कह रहे हो कि वासु संत पुरुष को कर्तव्य क्या है कि जो चीज जैसी है वैसे वो प्रोड्यूस करते चले जाए और कहीं अटके नहीं। मैंने यदि वो लंबाई पैदा कर सकते हो तो लंबाई पैदा कर दे, टूकाई पैदा कर सकते हो तो टूकाई पैदा कर दे, सत पैदा कर सकते हो तो सत पैदा कर दे, असत पैदा कर सकते हो तो असत पैदा कर दे, खूबसूरती पैदा कर सकते हो तो खूबसूरती पैदा कर दे, बदसूरती पैदा कर सकते हो तो बदसूरती पैदा कर दे। पर जो भी कुछ वो पैदा कर रहे हो वहां में वो फंस ना जाए, या को नाम संत। फंस गए वो संत नहीं अपने पैदा किए भय में। यही कई बात माने चौथे के बाद पांचवो वो कह रहे हो चुआंगजू कि यासु संत क्या करे कि वो हर कार्य करे है, हर कार्य करे है, जो भी कार्य वहां पे आ पड़े वो सारे काम वो करे है, पर वो अपनी योग्यता पे विश्वास नहीं करे। काम सब करे है पर वो अपनी योग्यता पे निर्भर नहीं हुए, विश्वास के बजाय निर्भर नहीं हुए है। दे एक्ट बट डू नॉट रिलाय ऑन देयर एबिलिटीज। संत को है वो हर चीज को काम तो करे है पर अपनी एबिलिटी पे रिलाय नहीं करे वो। यहां रिलाय को मतलब विश्वास भी लिया जा सके, पर मुझे लगा रिलाय को मतलब विश्वास लेने के बजाय निर्भर होने के अर्थ में वो चुआंगजू को जो मूड है वासु ज्यादा मेल खाएगो, विश्वास के अर्थ में लेने के बजाय निर्भर होने के अर्थ में। नेक्स्ट ताओ कोई
कि यासु संत क्या करे है कि जो भी कुछ वाक्य माथे आ पड़े काम वो सारे काम करे है, पर कोई भी काम की क्रेडिट वो खुद नहीं लेनो चाहे ताओ को दे, काम ताओ के कारण भयो मैंने क्या किया जो भी काम है वो सब खुद कर दे, पर जब वासु प्रश्न आवे कि काम तेने क्यों नहीं कि मैंने नहीं किया ताओ ने किया, क्रेडिट वो ताओ को दे है क्योंकि वो कोई काम से खुद फंसना ही नहीं चाह रहे हो, कर सब काम रहे हो पर काम से फंसना नहीं चाह रहे हो, करके क्रेडिट वो ताओ को दे कि ताओ ने किया, या कि मैंने कंसिस्टेंसी है वाके फिलोसफी में या कंक्लूजन की, और या तरह से ताओ को आके सूत्रपन ने देखे उनमें ये फैक्टर कैसे हैं कौन कौन से हैं, बाकी रैपिड टेस्ट आप करियो। नेक्स्ट 2500 साल पहले भगवान बुद्ध जिनको कल अपन देख गए उनको बड़ा मजेदार है, ये सूत्र के बजाय आखिर कथा है, सो कथा कहे बिना चारा नहीं है क्योंकि यहां में सूत्र नहीं प्रकट हो रहा है, भगवान बुद्ध की आखिर कथा है जैसे अपने वार्ता है ना, ऐसे उनकी वार्ता को बहुत विस्तार है, बल्कि कई आधुनिक इतिहासकारियों माने कि भारत में सबसे पहले वार्ताएं इन लोगों ने लिखी और दूसरी वार्ताएं अपन ने लिखी है ऐसे माने लोग। छोटे छोटे प्रसंग जैसे अपने पुराण जो है वो पूरे एक इंसाइक्लोपीडिया है ऐसे नहीं, छोटे छोटे प्रसंगन को कंपाइलेशन, तो इनके यहाँ ऐसे छोटे छोटे प्रसंगन को कंपाइलेशन सबसे पहले इन लोगों ने किया ऐसे कहें, कितना सच कितना झूठ मेरे को या बारे में बहुत जानकारी नहीं है, पर एक प्रसंग बड़ा इंटरेस्टिंग कि एक कोई अम्बट्ठ मानवक है जो ब्राह्मण है, मानवक जनरली जैसे टीनेजर या यंगस्टर को कहो जाए, बहुत मैच्योर नहीं हो थोड़ा इमैच्योर हो वाकू मानवक कहो जाए, मानवक माने वो जैसे टीनेजर या कोई यंगस्टर हो ना, टिपिकल यंग एज की या टीनेज की कोई बेदरकारी लियो भयो व्यक्ति वाडंग को अम्बट्ठवा को नाम है, वो भगवान बुद्ध के पास आके अब उलुल जुलुल सब सवाल कर रहे हो, बुद्ध भगवान वाको पूछे हैं कि ऐसा मुझको लगे है कि तेने कोई प्रॉपर गुरुकुल में अभी तक शिक्षा नहीं ली, ये एक एक प्रसंग को आपको लिखना पड़ेगा या मैं वचन को नहीं लिखने को है, जब प्रसंग पूरा हो जाए तब वहां पे कमेंट सोचियो, वाके पहले धांधल मत करियो, प्रसंग में पूरा होगा तब आपको कहूंगा कि प्रसंग पूरा भयो। तो भगवान बुद्ध वाकु कहें कैसे तैने कोई अच्छे गुरुकुल में शिक्षा नहीं ली है, तो मैंने कही कि अच्छे गुरुकुल में शिक्षा लेने को क्या सवाल है, तुम लोग सब दुष्ट शाक्यो हम ब्राह्मण को अपमान करो तो तुम्हारे साथ यही तरह से अपमानजनक तरीका से बात करनी हमारी ब्राह्मणत्व की शान है तुमने कि हमने कब तेरा अपमान किया, एक ठिकाने नहीं, मैं तुम्हारे शाक्यन की असेंबली में गयो पार्लियामेंट में मैं गयो वहां तो सब ही ठिठी करते रहे, ने कोई ने मुझको उठ के नमस्कार नहीं किया, कोई ने आव भगत नहीं करी, ऐसे असभ्य लोग हो तुम, शाक्य शाक्य मैंने भगवान बुद्ध की जाति, भगवान बुद्ध शाक्य जाति कहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने वाकु पूछी कि कई वक्त तू बैठे हुए और ऊपर चिड़ियां भी तो चहचहाती रहे और तेरे को नमस्कार नहीं करे, तो क्या वहां में भी तू अपमानित फील करेगा, तो नहीं वहां में तो कोई अपमान नहीं फील करूं क्योंकि चिड़िया को चहचहानो स्वभाव है, वो अपमान वो मेरा आदर सत्कार क्यों करेंगी, तो नहीं कहीं शाक्यन को चिड़ियान की तरह क्यों नहीं समझे तू तो फिर बुद्ध ने कही कि अब मैं तेरे को सवाल कर रहा हूं, तू बहुत उलुल जुलुल सवाल कर रहा है, या लिए
कि तू कौन से गोत्र को है, ब्राह्मण में गोत्रों में ना अलग अलग। अम्बट्ठ ने कही कि मैं कृष्णायन गोत्र को हूं। कोई कृष्णायन हो गोत्रवा जमाने में, आजकल तो कोई टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कोई ब्राह्मण में कृष्णायन गोत्र है नहीं, वा वक्त कोई कृष्णायन गोत्र होएगो। जवान की कि मैं कृष्णायन गोत्र को हूं, तो भगवान बुद्ध ने वाकू कही कि अच्छा अच्छा कृष्णायन गोत्र को है, ये कृष्णायन गोत्र पता है तेरे को कैसे पैदा हुए हो? नहीं वो मुख नहीं पता है। तो यानी कि हमारी जो दासियां हती शाक्यन की, उन दासियों के कारण ये चले हुए हो, मैंने दासी मैंने स्लेव गर्ल, और शाक्यन के जो दासीन सु पैदा भय जो व्यक्ति वो कृष्णायन गोत्र के ब्राह्मण बने। यो भगवान तूने वाकू डिमोरलाइज कर दिया, अब बता के तू कैसे ऊंची कोटि को ब्राह्मण है, हमारे तो दासीन को तू पुत्र। हमारी जो स्लेव गर्ल रहती थी महलन में, शाक्यन के महलन में, उनकी दासी थी, वाके दासी को एक पुत्र, तो वो ऐसे जंगल में जाके फिर ब्राह्मण बन गए और वाकसु फिर वो कृष्णायन गोत्र चालू भयो। अब बोल तू माने कि नहीं माने, तो बेचारा सबके बीच में फिर आखी परिषद ने वा बखत जो बुद्ध के यहां कॉन्फ्रेंस बैठी हुई थी, उनने कही कि भगवान बुद्ध ये बेचारे ब्राह्मण को या तरह से इंसल्ट तो मत करो, ये तो अच्छी बात नहीं है इतना वाकु डिमोरलाइज डिग्रेड करना। तो भगवान ने उनकी तो सुनी अनसुनी कर दी, पर अचानक वो अम्बट्ठ को जो लोग अजंता और यहां सब घूम के आए उनको पता है वो एक वज्रपाणी वहां है, तलवार लियो भयो उनको एक संरक्षक अक्सर बुद्ध के दरवाजा पे खड़ो रहे, वो वज्रपाणी आकाश में दिखो कि जरा चूचा करे तो गर्दन ही काट दो। डर के मारे वन की क्या मानू के मैं दासी को पुत्र हूं, वज्रपाणी के डर के मारे। तब वज्रपाणी दिखो तो डर के वन कबूल कर लियो क्या भाई मानू के मैं दासी को पुत्र हूं। तब भगवान ने वसु पूछो कि तो चल अब मुकु ये बता के तू दासी को पुत्र है, तो ऐसे कोई ब्राह्मण की लड़की को हमारा शाक्य राजकुमार ब्याह है तो वो नीचो कहलाएगो कि ऊंचो? अब वो तो अब वज्रपाणी देख के पहले ही डरे भयो, तो सुन की नहीं नहीं महाराज वो तो ऊंचो ही कहलाएगो, और तुम्हारो ब्राह्मण को लड़का हमारी कोई शाक्य राजकुमारी को ब्याह जाए तो नीचो कहलाएगो कि ऊंचो? यानी कि वो तो नीचो कहलाएगो। शास्त्र के हिसाब से तो रिवर्स की पोजीशन है, पर वो अम्बट्ठ बिचारो फिर इतना नर्वस हो गया कि नहीं नहीं वो तो नीचो कहलाएगो। तो आने की बस सिद्ध हो गई ना बात कि ब्राह्मण सोम क्षत्रिय बहुत ऊंचे हैं, तुम लोग सब नीचे हो, तुम लोग तो निम्न स्तरीय, क्योंकि हमारी हमारो लड़का यदि तुम्हारी लड़की लिया हुए तो जो संतति पैदा हुआ वो ऊंची कहवावे, और तुम्हारो लड़का यदि हमारी लड़की ले जाए तो जो संतति पैदा हुए वो नीची कहवावे। लिहाजा ये वयो के विचारो अम्बट्ठ मानव फ्लैट हो गयो एकदम या सब चक्कर में, क्योंकि ऊपर आकाश में वज्रपाणी दिखे और नीचे वको भरी सभा में या तरीके को वो खोल दियो भगवान ने नो एग्जिट की तरह नरक को दर टीवी खोल दियो। तो फिर उनने भगवान ने वाकू शांति पीठ थपथपा के कही कि देख मेरी बात ध्यान समझ के ये जो शादी ब्याह में तो जाति को ऊंच नीच अच्छी बात है, पर धर्म के उपदेश में जाति के ऊंच नीच अच्छी बात नहीं है। धर्म के तो उपदेश में जो धर्म जानते हो वो ऊंचो और जो धर्म नहीं जानते हो वो नीचो, तेने व्यर्थ में ये घमंड क्यों कियो कि तू ब्राह्मण है और धर्म नहीं जाने तो भी ऊंचो है, और मैं क्षत्रिय हूं और मैं धर्म जान रहे हूं तो भी नीचे हूं। ये सब बातें धर्म के उपदेश में नहीं चल रहे, शादी ब्याह में ये अच्छी बात है। कोई के वंश की काउंटिंग करनी हो, वंश के ऊंचा नीचा ही देखनी हो तो ये सब बातें अच्छी हैं जातिवाद की, वरना धर्म के मैटर में ये जातिवाद सच्चो और अच्छो नहीं है।
और वो बेचारो पूरी तरह अंबट को मटिया मीट हो गयो, जाते रहे सुबह बुद्ध को इंसल्ट करना चाहते तो वाके बजाय कुछ दूसरी बलती बात आ गई। भगवान ने आपको फिर पकड़ के रखे कि ठहर अभी जाने नहीं दूंगो, तू कह रहे हो ना कि तू ब्राह्मण है, तेरे पूर्वजन ने ऋषि ने मंत्र के दर्शन किए। तो उन्होंने कहा वो तो सब कहे कि ऋषि ने मंत्र दर्शन किए। तो भगवान ने कहा मंत्र दर्शन किए तो वो मंत्र में जिन देवताओं के दर्शन किए उन मंत्र बोल के तू देवताओं को बुला सके? वो तो नहीं बुला सकूं, फिर काय काम के मंत्र है तेरे? तेरे मंत्र काम के क्या है? उन मंत्रन को बोलकर तू देवताओं को तो बुला ही नहीं सके। तो अनकी तो आपको मतलब क्या कहना, उन मंत्र को बोलना कि नहीं बोलना? तो अनकी तू तो ऐसी बात कर रहे हो कि नदी के या किनारा सुतर को वा किनारा पे जानो हो और पुल तू बनावे नहीं, और पुल के मंत्र बोलता रहे कि वो एक किनारा यहां आ जाओ, एक किनारा यहां आ जाओ, तो कोई किनारा आएगा तेरे पास? यदि तुमको वह किनारा जानो है तो पुल बनाना चाहिए कि मंत्र बोलना चाहिए? तो यानी कि वह किनारा जानो है तो नदी के पुल बनाना चाहिए, मंत्र नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि मंत्र बोलने से कहो सामने वाला किनारा मेरे तरफ आ जा, आए नहीं जाएगा। ऐसे मंत्र बोलने से कोई देवता आवे जावे नहीं है। तेरे को यदि देवलोक में जाना है तो पुल बनाना चाहिए देवलोक तक को, मंत्र बोलने से क्या फायदा होगा? मैंने बेचारे ने दंडोत करके बुद्ध मत स्वीकार कर लिया, तो ये सब बेकार की बात है मंत्र मंत्र बोलना। प्रश्न अपनो प्रसंग पूरा हो रहा है, इन छह में से क्या घटना घटी? एक घटना घटी, दो घटना घटी, कि कौन सी घटना घटी सोचियो। बुद्ध भगवान के उपदेश बड़े टिपिकल है एकदम, कोई पार ही नहीं पा सके। अपने महाप्रभु जी कह न मोहावत न केना पी एवं वदितम है, तो लीक कर नहीं लीक किया है, कैलकुलेटेड में मिसगाइड कर रहा हूं। नेक्स्ट, जब बुद्ध भगवान को जन्म न हुए है तो उनके यहां के सिद्धांत के हिसाब से बुद्धत्व जो है वो एक जन्म की साधना नहीं है, अनेकानेक जन्म में साधना करते 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 व्यक्ति बुद्ध बने। अनेकानेक जन्म में साधना करके व्यक्ति जब बुद्ध बने हैं और वाको जब छल्लो जन्म हुए जा जन्म के बाद वो निर्वाण पा लेगो, वह जन्म में न्यो कह जाए है कि बुद्ध या बुद्ध के जैसे और भी जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर जैनन को शब्द है पर अरहत ये लोग भी कहे हैं जैसे जैन लोग कहे हैं वाढ़ंसु, तो वो जो बोधिसत्व इनको मुख्य शब्द है, बोधिसत्व जो हैं बुद्ध जब जन्म गयो तो बुद्ध, और बुद्ध होने की जो प्रोसेस है वहां में वो बोधिसत्व कहवावे। तो बोधिसत्व जो है वो जा वक्त अंतिम जन्म ग्रहण करे वह वक्त बोधिसत्व कभी भी शूद्र या वैश्य कुल में नहीं जन्मे, या तो ब्राह्मण में जन्मे या क्षत्रिय में जन्मे। क्योंकि शूद्र वैश्य जो है नीचे कुल है, उनमें वो बोधिसत्व कभी बुद्ध होने के लिए जन्म नहीं, बुद्ध होने के लिए जन्म न हो तो ब्राह्मण कुल में जन्म न चाहिए या क्षत्रिय कुल में। और या लिए बोधिसत्व ने जब गौतम बुद्ध होने के रूप में जन्म लेना चाहे तो उनने सोचो कि भाई उत्तम कुल तो यही है, क्योंकि ब्राह्मण तो सब गिलिंडर हो गए या वक्त उनकी प्योरिटी में, वो जैसे अंबट्ठ मानव की प्योरिटी में कॉन्फिडेंस नहीं रह गए तो उनको, पर क्षत्रियन की प्योरिटी में, प्योरिटी ऑफ ब्लड में उनको पूरा विश्वास है। तो सो बुद्ध भगवान को ने अपनो जन्म शाक्य वंश में, क्योंकि शाक्य वंश जो है वो इक्ष्वाकु वंश की शाखा है, सूर्य वंश की शाखा है, और ये शाखा इक्ष्वाकु वंश की शाखा होने के कारण शाक्य लोग शुद्ध थे,
बाय ब्लड, या लिए भगवान ने अंतिम जन्म अपनो बुद्धत्व को शाक्य वंश में लियो, और बनिया और शूद्रन में तो कोई कभी कोई बोधिसत्व जन्म ही नहीं, क्योंकि वो तो हल्के खुलो है। दूसरो सूत्र, तीसरो सूत्र, धम्मपद में, धम्मपद जैसे अपने यहां गीता है ऐसे बुद्ध भगवान की गीता है धम्मपद, धर्मपद। तो कई धर्मन के वामे उपदेश संकलित किए गए हैं। वामे एक चैप्टर है ब्राह्मण वग्गो, ब्राह्मण वर्ग, वो सारा चैप्टर ब्राह्मण कैसो अच्छो वाको है। और खूबसूरत न खूबसूरत चैप्टर है वो। वामे भगवान बुद्ध के हैं कि न जटा ही न गोत्रे ही न जच्चा होति ब्राह्मणो, जटा बढ़ाने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाए, न कोई ब्राह्मण गोत्र में जन्मने मात्र से कोई ब्राह्मण हो जाए, कैसे ब्राह्मण होवे? तो आपको कहे हैं है? यम ही सच्चन च धम्मो च सो सुचि सो च ब्राह्मणो ब्राह्मणो, जामे सत्य है, जामे धर्म है, जामे शुचिता है, वो ब्राह्मण होवे। नचाहम ब्राह्मणम भूमि योनिजम मत्ति संभवम अकिंचनम अनादानम तमहम भूमि ब्राह्मणम, मैं ब्राह्मण कौन को मानू हूं कि जो योनिज ब्राह्मण है वाकू मैं ब्राह्मण नहीं मानू। योनिज मने जो ब्राह्मण वंश में जन्मियो वाकू मैं ब्राह्मण नहीं मानू। न सिर्फ या लिए मां, जैसे कि कोई कोई की मां ब्राह्मण थी वाली वाको बेटा ब्राह्मण है, ऐसे मैं नहीं मानू हूं। मैं ब्राह्मण कौन को मानू हूं? अकिंचनम, जो अकिंचन हो, अपने की परिभाषा में, वार्ता की परिभाषा में जाकू निष्किंचन कह जाए। अनादानम, अकिंचन होने के कारण कोई सु लेने को चक्कर चला तो हो, ऐसा नहीं। अनादानम, कोई सु कुछ लेवे भी नहीं। तमहम भूमि ब्राह्मणम, पुरनी भय हो अविरुद्धम विरुद्धेशु अत्तदंडेशु निब्बतम सादानेशु अनादानम तमहम भूमि ब्राह्मण, जहां खूब झगड़ा चल रहे हो, मारकाट मची भई हो, जहां मैं वो कोई को पक्षपात नहीं ले, निष्पक्ष रहते हो, वाकू में ब्राह्मण कहूं। अविरुद्धम विरुद्धेशु दंडेश निब्बुतम, मैंने जहां तलवार है डंडा है खिंचे भय हो, केशा केशी दंडा डंडी मुष्टा मुष्टी होने वाली है, वो शांत बैठे हुए, अपने लड़ाई झगड़ा से कोई काम नहीं, वाकू में ब्राह्मण को। अत्त दंडेशु, अत्त दंडेशु निर्वृतम निब्बुतम, सादानेशु जहां छीना झपटी चल रही हो, ये घर मेरो, ये राज्य मेरो, ये औरत मेरी, ये वो मेरो, वहां में अनादानम, अपने हाथ टपका रहे नहीं सब जगह। तमहम ब्रूमि ब्राह्मण, वाकू में ब्राह्मण मानू हूं। अभी और चल रहे हो, योध तंडम पहत्वानम अनागारो परिबजे, जो तृष्णा को प्रहाण करके, तृष्णा को छोड़ के और घर को छोड़ के और सन्यासी हो जाए, तन्ना भव परीक्षीणम, मैंने तृष्णा सु परीक्षीण जहां में कुछ भी तृष्णा नहीं बची है, और भव सु परीक्षीण मैंने जाकु जन्म लेने के लिए कोई कारण नहीं बचो है, वह व्यक्ति को मैं ब्राह्मण कहूं। इनमें से कंपेयर करो क्या बात आ रही है। एक और बात बड़ी मजेदार, ये शायद छठी है,
नहीं ये अब हाँ चार हो गई ना, अब पांचवी एक दो हाँ और तीन चौथी है बराबर। चौथी बात, भगवान बुद्ध कहीं विहार कर रहे थे, वहां विशाखा नाम की कोई बड़ी सेठानी उनके दर्शन करने गई। वो वह जमाना में करोड़पति सेठानी थी। तो जब दर्शन करने जा रही थी तो वह को ऐसा भाव जगयो कि भगवान के सामने अपनी लग्जरी को प्रदर्शन करना उचित नहीं। सो वह ने अपने सारे बड़े बड़े कीमती गहनाएं जिनसे वो लदी भई थी उतार के एक ठिकाने रख दिए और भगवान के दर्शन करने गई। दर्शन करने गई, भगवान के उपदेश से वो प्रभावित भई, इतनी प्रभावित भई कि जब घर गई तब वो ज्वेलरी ले जाना भूल गई। ज्वेलरी ले जाना भूल गई तो भगवान के शिष्य ने उनको कही कि भाई वो विशाखा सेठानी आई थी और ज्वेलरी यहीं धर के चली गई, आपके दर्शन करने आई और ज्वेलरी तो ले नहीं गई। तो भगवान ने कही कि अच्छा वाकू कहो के ले जाया के। तो विशाखा सेठानी को बुलाया गया पाचक, भाई तुम्हारे ज्वेलरी तुम यहाँ भूल गए, सब कॉस्टली ज्वेलरी है। तो विशाखा सेठानी ने कही कि आपके आश्रम में विहार में मैं भूल गई तो अब वहां पे मेरा दावा खत्म कर रही हूं मैं। अब सवाल पैदा भयो कि ये दागीनान को पहरे कौन, सेठानी के दागने के बुद्धवान बुद्ध तो पहर नहीं सके, इन दागीनान को करनो क्या, इन साधुन को। तो भगवान ने कही अच्छा एक काम करो कि आज तक तो अपन ने कभी मठ नहीं बनाए थे, अब साधुन के रहने के मठ इन दागीनान से बनाओ। तो वह वक्त कुछ मैं एग्जैक्ट अमाउंट भूल रहे हूं या वक्त पर बहुत हाइपर कॉस्ट के वो सब होते और 9 लाख या कुछ 9 करोड़ या ऐसे कुछ कॉस्ट को सारी ज्वेलरी होती और वासु सब बुद्ध मठे बने विशाखा सेठानी के दागीना से। प्रसंग पूरो तासो इनकी कथा कहां तक कही जाए। ये सब खोजना तुम्हारा काम है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध के ही ससुराल के महावीर स्वामी हते, दोनों वातरसु हते रिलेटेड जैन धर्म। जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर जो अपने यहां के पुराण के जो पुरुष हैं वो सब कॉमन है प्राय। अंतर सिर्फ इतना ही है कि यदि वो अपने पुराण के पुरुष नहीं हैं तो उनके भाई हैं या उनके बेटा हैं या उनके भतीजा हैं, पर कोई न कोई उनको हर तीर्थंकर अपने पुराण के कोई तो कोई न कोई पुराणिक महापुरुष सु एसोसिएटेड है। जैसे कृष्ण को भाई उनको नेमिनाथ है, राम को कोई उनको कुछ है तीर्थंकर है, ऐसे अपने आज जो सगर है उन सगर के उनके यहां भी स्वामी अजितनाथ भाई उनको प्रसन्न। जैसे अपनी भागवत है ऐसे उनके यहां त्रिषष्ठी शला का पुरुष करके अद्भुत ग्रंथ है। अपनी निंदा है वहां में बहुत, वो कथा दूसरी है, पर बाकी क्लासिकल लिटरेचर की वैल्यू बहुत अच्छी है। मैंने सूक्तिन को भंडार है, नरेशन को भंडार है,
संस्कृत भाषा की फ्लुएंसी बहुत गजब की है। वैसे अपने प्रति पूर्ण द्वेष से लिखी गई है, ये एक और सत्य है वाको। तो वहां में एक वर्णन आ रहा है कि अजित प्रभु जो हते वो तीर्थंकर हते, माने कई जन्म से वो भी रिफाइनमेंट की प्रोसेस में, जैसे ये बोधिसत्व रिफाइनमेंट की प्रोसेस में रिफाइंड होते होते बोधिसत्व में सुबुद्ध बने, ऐसे इनके यहां भी अर्हत सु धीरे धीरे रिफाइंड होते होते अंत में तीर्थंकर बने। तो वहां बखत उनके पिता ने उनको यूं कही कि भाई अब मैं राज्य छोड़ने वाला हूं क्योंकि मुझको वैराग्य आ गयो और मेरी इच्छा है कि तुम मेरे बाद राज्य को संभालो। ये तो तीर्थंकर होने वाले व्यक्ति हैं अजित स्वामी, तो तुम राज्य संभालो। ये विरक्त थे मूल में, इनको राज्य संभालने की इच्छा नहीं थी, तो इनने काफी एजिटेट किया कि नहीं मैं भी आपके साथ चलूं और मैं भी संन्यास दीक्षा लेके और मुनि बन जाऊं। पर पिता ने आज्ञा करी कि नहीं, तुम्हारा या वक्त कर्तव्य है कि तुम राज्य संभालो मेरे उत्तराधिकारी बन के। लिया जब उनने राज्य संभालने को लिया, जब स्वीकार किया, तो उनके पिता ने उनको एक दो नहीं कुछ सैकड़ों राजकुमार इनसे ब्याह करवाया, एक दो कन्या से नहीं सैकड़ों राजकुमार इनसे ब्याह करवाया। और वो सारे सैकड़ों ब्याह उनने अजित स्वामी ने क्यों मंजूर किए वाको कारण समझो, मैंने त्रिषष्टि शला का पुरुष यो समझावे, क्योंकि उनके सुकृत इतने हते पूर्व जन्म के कि वह सुकृत को सुख उनको भोगनो तो, और सुकृत को सुख नहीं भोगो और दुष्कृत को दुख नहीं भोगो तब तक सुकृत और दुष्कृत को नाश नहीं हुए, क्योंकि सुकृत को सुख भोगने से ही नाश हुए और दुष्कृत को दुख भोगने से ही नाश हुए। लिहाजा उनने वो सब स्वीकार किया कि भाई अब इतने सुकृत हैं अपने पूर्व जन्म के, तो इन सैकड़ों रानी के साथ ब्याह के सुख भोगेंगे। और हमें आवे कि श्रीयो मूर्त्यंतराणी शतशोथ स्वयंवरा, लक्ष्मी के जैसी साक्षात कई राजकुमारी एक नहीं सैकड़ों सब उनने ब्याई। और तेन राजा राजकन्या महर्ध्या पर्यनायत देवकन्योपमा राजकन्यका सगरेन च पुत्रो पुत्रो द्वाहोत्सवा तृप्त दवो इलापति। खैर वो अलग कथा है, वाक्य बाद वो कहे हैं कि अजितोपिंद्रिय, अजित स्वामी जो होते वो इंद्रियन के अधीन नहीं होते, सारी इंद्रियां उनके अधीन होती, वो इंद्रियाधीन नहीं होते ऑर्डिनरी आदमी की तरह। पर इन सैकड़ों रानी के साथ उनने खूब आनंद भोग्यो, क्यों भोग्यो, क्योंकि कर्म पूर्व जन्म के जो हते सुकृत वाको सुख उनको भोगनो तो। वामे वो कहें कि ये साधारण बात है, क्योंकि जैसो रोग ऐसो इलाज, तो सुख जो सुकृत हतो वो भी एक रोग हतो, वाको इलाज ही हतो कि सुख भोग लो तो इलाज हो जाएगा। और 153,000 बरस उन्हें ये सुख भोग्यो, तब जाके उनको कर्म को क्षालन भयो, इतने सुकृत होते उनके पूर्व जन्म के, इतने सुकृत होते कि 153,000 बरस तक इन रानी के साथ वो सुख भोगते रहे। त्रिपंचाशत पूर्व लक्ष्मी सुखमेव त्यवाहयत, एक प्रसंग पूरो नेक्स्ट आ रहे है। हरिहर तुल्लो भी नरो सगंग गच्छे भवकोडी तहविण पावई सिद्धिम संसारस्थो पुणो बणिदो।
वो कहे कि हरि और हर के समान भी यदि कोई हो मनुष्य, हरि और हर के समान भी कोई पुरुष हो पर होने के कारण स्वर्ग में जा सके, वहां में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हरि और के जैसे हो, हरि अथवा हरि मने अपने ठाकुर जी और हर मने अपने ठाकुर जी, मने कृष्ण नहीं हो, हरि मने विष्णु, अपनो कृष्ण तो उनके यहां नरक में पर विष्णु उनके यहां हरि है, तो वो देव कोटि को है, तो वो हरि जो है वो अथवा हर जैसे कोई होए तो स्वर्ग में जा सके है, पर अंत में तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति वा न्यायसु, वाकु स्वर्ग में चाहे कितने साल हो आवे अंत में पृथ्वी पे तो लौटनो पड़ेगो, तहवीण पावई सिद्धिम, वो तीर्थंकर नहीं हो सके सुकृत के कारण। संसारस्थो पुणो भणिदो, वाकु तो फिर संसारस्थ होना ही पड़े, ओवर नेक्स्ट। बड़ा सुंदर श्लोक है, दुष्टम अंतर्गतम चित्तम तीर्थ स्नानात् न शुद्ध्यति, ये अपने भीतर रहे भयो चित्त दुष्ट होए कितने भी तुम तीर्थ स्नान करो वासु शुद्ध नहीं हो सकेगो, शतशोपि जले धोतम सुरा भांडम इवाशुचि, शराब को बर्तन को 100 बखत धो पर वो शराब को बर्तन अशुचि को अशुचि ही रहे है। तो तीर्थ स्नान वगैरह से कोई शुद्धि होवे नहीं है। तब सवाल ये पैदा हुआ कि तो ये जो शुद्धि आएगी कहां से, तो कहे हैं दर्शने नंत ज्ञाने मोक्षो नष्टा दृष्ट कर्म बंधने न, जब तुम जो है वो अनेकांतता को दर्शन करो, आत्मा को दर्शन करो कैवल्य को, तब नष्टा दृष्ट कर्म बंधे, जो कर्म के बंधन है वो अदृष्ट कर्म के जो बंधन है वो सारे नष्ट हो जाएं, जब आत्म कैवल्य को अनुभव करो कि आत्मा के साथ ये सारो देह मन बुद्धि कर्म सब जो है वो जुड़े भय कचरा है, इनको आत्मा की हकीकत से कुछ लेनो देनो नहीं है, ये तुमने अनुभव कर लियो तो तुम्हारे सारे पुण्य पाप सब नष्ट हो जाए, तुम तुरंत सिद्धि को प्राप्त कर लो, नमो सिद्धाणम नमो अरियंताणम वगैरह वगैरह जो उनकी स्टेज है नवकार मंत्र की। निरुपम गुणम आरूढ़ अर्हन ईदृशो भवती, नहीं वही है, तो निरुपम गुणम आरूढ़ जा वक्त तुमने अनेकांत को अनेकांतता को दर्शन कियो और आत्म कैवल्य को दर्शन कियो, तब निरूपण गुण को तुम प्राप्त कर लो, अर्हत तो सब याद ऐसे हुए हैं, क्योंकि अभी वही वाक्य चल रहे है, द्रुहिणा धोक्ष जेशाना शाक्य सूर पुरस्सरा यदि रागाद्यधिष्ठानम कथन तत्राप्तता भवे, वो कह रहे हैं कि चाहे तो ब्रह्मा जी को ले लो, चाहे तो विष्णु को ले लो, चाहे तो महादेव जी को ले लो, चाहे बुद्ध भगवान को ले लो, शाक्य इन सबके साथ तकलीफ क्या है कि ये सब रागी पुरुष हैं, विरागी कोई नहीं है सब रागी पुरुष हैं, बोले रागी क्यों हैं, बोले ब्रह्मा को मन तिलोत्तमा पे चल गए तो कि नहीं, और विष्णु जो है वो लक्ष्मी के साथ पड़े रहे कि नहीं, और महादेव तो अर्ध नर नारीश्वर है सो आधे में ही वह खूब चोटा के रखे दिन भर, तो या तरीके के ये रागी पुरुष ये कैसे सिद्ध हो सके, सिद्ध तो केवल जो आत्म कैवल्य अनुभव करते हुए वाकु ही सिद्ध हो सके है, दैट इज ओवर। उनकी हती ना, उनकी हती ना, पहले तो हती ना, उनकी पत्नी तो हती ना, शादीशुदा आते ना, बेटा भी तो पैदा राहुल तो ना, उनको बेटा यशोधरा सो, और पाछे जब बुद्ध भगवान पहली बार जब भिक्षा मांगने गए अपने गांव में, तो
तो यशोधरा इतनी खार खा के बैठी भई थी कि वहां ने भिक्षा में राहुल दे दियो यदि तुम संन्यास लेके राज्य नहीं चलाना चाहो तो राहुल को राजकुमार काय को रख रहे हो, फिर याकू भी ले जाओ भिक्षा में, तो भिक्षा में राहुल दे दियो। शाक्य वंश खत्म कर दिया मैंने भिक्षा में राहुल को देके, वो लीनियज खत्म कर दी रहा यशोधरा ने। तो ऐसे हो गए। अजंता में बहुत सुंदर चित्र है आपको, जब यशोधरा है और बुद्ध है, जब बुद्ध को बुद्धत्व नहीं प्राप्त भयो तो दोनों माने इतो बड़ो बुद्ध और यहाँ यशोधरा है, और जैसे ही बुद्ध भगवान बुद्ध हो गए तो यशोधरा उनके घुटन पे आ रही है और राहुल उनके पिंडलिन पे आ रहे हैं। बुद्ध इतना बड़ा बताया है, अब वो यशोधरा के साथ कॉम्पिटिबल नहीं रह गया उनको। बहुत देखियो कभी अजंता में, देखे हुए तो बहुत सुंदर चित्र बनाया, मैंने अपने भारतीय कला को एक मानक चित्र है, या में कोई संदेह नहीं। आत्म कैवल्य मैंने आत्मा के साथ कुछ भी चीज रहने नहीं चाहिए, आवरण, कर्म के आवरण, क्षायोपयिक कर्म के आवरण आत्मा के ऊपर नहीं रहने चाहिए, निरावरण होनी चाहिए आत्मा। वो क्षायोपयिक कर्म को आवरण नहीं रहनो ही दिगंबरता, सच्ची दिगंबरता है। कपड़ा उतारनो वाको सिंबॉल है, और सच्ची दिगंबरता वो क्षायोपयिक कर्म सु रहित होनो है। सो एक पूरो भयो, कितनो भयो ये, एक दो तीन चार हो गए, तीन भय बराबर नहीं तीन भय, चौथो। अब आत्म कैवल्य मने क्या, आत्मा को कैवल्य ध्यान से समझो। जसु अभ्यंतरी जगु जग अभ्यंतरी जो जी जगु वसंतु भी जग जगी जिनवी परम ढसो सोची। जाके भीतर जग है, जो जग के भीतर व्याप्त है, जाके भीतर जग है जो जग के भीतर व्याप्त है, और जग में रहते भय भी जस जगी वसंतु वी जगी जी नवी, जग में रहते भय भी वो जग में है नहीं, परमठसो सोजी, वो परमार्थ आत्मा को स्वरूप है। नेक्स्ट, देही वसंतु वी हरिहर वी अज्जवी न मुन्नंती परम समाहितवेण विणुसो परमप्पु भणन्ति। क्या मजेदार बात कह रहे हैं, देखो कि देह में रहते भय भी वा आत्मा के, वा परमात्मा के, न तो हरि वा को जान सके आत्मा को, न हर जान सके, महादेव जी जान सके, वो तो केवल कौन जान सके कि जो परम समाधि लगा के तप करे वही वह परमात्मा को दर्शन पा सके। परम समाधि लगा के तप करे वही वह आत्मा को दर्शन पा सके। हरिहर भी वह आत्मा को, परमात्मा को दर्शन पाने के लिए समर्थ नहीं है। नेक्स्ट, हाँ क्या भयो, देह में रहते हुए भी माने भगवान हरि के और हर के देह में आत्मा रहती है, पर हरिहर उसको जान नहीं पाते क्योंकि वो तपस्या नहीं लगाते हैं, समाधि नहीं करते हैं, तो वो जान नहीं पाते हैं। और समाधि कोई लगा ले और तपस्या करे तो आप लगा लो तो आप भी समझ सकते हो, ये उनका उपदेश का मतलब है। नेक्स्ट,
अप्पा गुरु नवी शिशु नवी नवी समीउण न नवी भिच्चु सूरव कायरु होई नवी उत्तम नवी नवी निच्चु। आत्मा जो है न तो गुरु होवे न तो आत्मा शिष्य होवे है न तो आत्मा साधु होवे श्रमण होवे न आत्मा भिक्षु होवे न आत्मा शूर होवे है न आत्मा कायर होवे है न आत्मा उत्तम होवे है न आत्मा नीच होवे है। या तरीके की आत्मा को ज्ञान आत्म कैवल्य ज्ञान है। और जय निविसद्धु विकुवई करई परमप्पई अनुराउ अविनक्कणि जिम्म डहई अयेसु निपावु। ये आत्मा को ज्ञान कौन को होवे है? कि जो अनुराग करे कोई सो वाकु आत्मा को ज्ञान कभी नहीं हो, क्योंकि अनुराग के कारण लेश्य आ जाए। पर एक निमिष, निमिष माने क्षण, एक निमिष के आधे निमिष में भी जो वैराग्य करे तो वाकु आत्म साक्षात्कार हो जाए। आधे क्षण के लिए यदि तुमको वैराग्य जा पैदा हो गयो तो तुमको आत्म साक्षात्कार हो जाए। यहां ये जैन मत को पूरो भयो। अब ये सब आप चेक करते रहियो क्या क्या है। वो रैपिड नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, रखड़ जाओगे, फटाफट तुरंत जजमेंट लेना पड़ेगा आपको। वाके बाद आ रहे हो क्रिश्चियन मत, हैं? अच्छा ऐसे करना तो ऐसे करना, चलो चलो। पर फिर तुम ऐसा घोटाला मत करियो, नहीं तो मैं पेपर जांचू कैसे अभी अध बीच में। वो तो मुझको दे दो तो मैं जांच लूंगा ना, अध बीच में अभी मैं कुछ बता दूं तो फिर तो तुम घोटाला कर दोगे। तो फिर मुझको यही नहीं पता चलेगा कि मैं पास भयो के फेल, क्योंकि मैं तुम्हारी टेस्ट थोड़ी ले रहे हूं, मैं तुम्हारी टेस्ट ले रहे हो, तुम मेरी टेस्ट ले रहे हो कि मैं तुमको ये समझा पायो कि नहीं। देखो तुम मेरी टेस्ट ले रहे हो, बी श्योर कि मैं तुमको ये समझा पायो कि नहीं, और मैं तुम्हारी टेस्ट ले रहे हो। तो अपन एक दूसरे की टेस्ट ले रहे हैं रैपिड टेस्ट में, लिख के दोगे तो नंबर डालते जाइए ना तो चेक हो जाएगा सब। थोड़ी वाकई अलावा चारा नहीं, अपने पास बहुत मत है। ईसाई मत, ईसाई मत में जैसे इनके यहां तीर्थंकर अवतारी हुए हैं, बुद्ध मत में जैसे बोधिसत्व अवतारी हुए हैं, यहूदी मत में अवतार की धारणा नहीं है, वहां नबी की धारणा है। यहूदी और इस्लाम में अवतार नहीं है, पर ईसाई मत में पाछो अवतार की धारणा है। अवतारवाद एक कहवावे कि परमात्मा भूतल पे अवतर है, आया ना ख्याल में? ऐसे मत समझियो कि कोई लीक कर रहे हूं, पर जो अपन प्राकृतानुकृति की बात कर रहे हैं वो अवतार के कॉन्टेक्स्ट में आती ना सारी। तो अवतार इनके यहां भी है, अवतार वहां भी है, कहां? जैन और बौद्ध में।
अंतर इतना ही है कि उनके यहाँ तीर्थंकर का अवतार है, उनके यहाँ जो है बोधिसत्व का अवतार है, अपने यहाँ भगवान का अवतार है, भगवत अवतार है। अंतर इतना अंतर है, उनके यहाँ तीर्थंकर और बोधिसत्व के बाद भगवत्ता हासिल हो गए है, अपने यहाँ भगवत्ता पहले है और वह के बाद अवतार है। अंतर इतना है थियोरेटिकली, पर क्रिश्चियन को अवतार को ये शायद, तो ये स्कॉलर अभी जिंदा है, मैं भूल तो नहीं हूं तो, पर मुझे निश्चित 100% नहीं ख्याल है, पर शायद तो ये स्कॉलर जिंदा है, तो यानी अवतार के बारे में बड़ी एक अच्छा विधान किया और सब मैं खास आपके लिए लाया। ये है जॉर्ज गिल कोर्स, कोई तो वहां की वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में अमेरिका में रिलीजियस डिपार्टमेंट का, रिलीजियस डिपार्टमेंट में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था या अभी भी है, मरा भी होगा तो इन्हीं सालों में मरा होगा, अदरवाइज बहुत करके तो अभी भी जिंदा है ये जॉर्ज गिल कोर्स। तो अवतार का सबसे अच्छा वर्णन मुझे इसका लगा, तो सारी बात खोल के सामने रख देता है अवतार क्रिश्चियनिटी के हिसाब से क्या है। वो क्या है, द हिस्ट्री ऑफ गॉड सेल्फ कम्युनिकेशन, मनुष्य ये जो इतिहास है, सारो इतिहास, धर्म को इतिहास, मैंने ईसाई धर्म को इतिहास, कि वो व्याख्या करे कि भगवान तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना चाहे, वा को इतिहास है, ईसाई धर्म को इतिहास, भगवान तुम्हारे साथ कम्युनिकेट करना चाहे तुमसे कुछ, जैसे अपन अमेरिका जाके बसे भाई लोगों से टेलीफोन ट्रंक कॉल जोड़ के कम्युनिकेट करें ना कि भाई वहां क्या चल रही है, यहाँ क्या घाट ढोकला बना हुआ के पापड़ा बना हुआ शू बनाओ छो क्या शू मले छे, वैसे बात करें ना, वह तरह से भगवान जो है वो अपने से कम्युनिकेट करना चाहे है, वहां को जो इतिहास है वो क्रिश्चियन धर्म को इतिहास है। बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है, और वो इतिहास कम्युनिकेशन को इतिहास होने के कारण ट्रिनिटी, ट्रिनिटी माने फादर सन और होली घोस्ट, ये जो ट्रिनिटी है वो ट्रिनिटी वह कम्युनिकेशन के इतिहास को एक प्रमुख स्वरूप है। एंड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, और मनुष्य की जो हिस्ट्री है वो क्या है, तो क्या मनुष्य की हिस्ट्री जो है वो अपनी मनुष्यता से उठ के और कैसे दिव्यता भगवान के तरफ जाने को जो इतिहास है वो मनुष्य को इतिहास है। इन पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट गॉड्स ग्रेसियस सेल्फ कम्युनिकेशन अचीव्स एन एब्सोल्यूट एंड इररिवोकेबल कॉन्क्रीट हिस्टोरिकल मैनिफेस्टेशन। वो क्या, जब जीसस क्राइस्ट को अवतार भयो, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उनके यहां भगवान को अवतार है, एक बात ध्यान से समझो, मैं इतना खुलासा कर दूं कि सारे ईसाई लोग ऐसे नहीं माने हैं, पर एक कैथोलिक ईसाई ऐसे माने हैं, सब ईसाई ऐसे नहीं माने हैं, जीसस को मानव मानने वाले भी बहुत सारे ईसाई हैं, जीसस को भगवान को भेजे भयो नबी मानने वाले भी बहुत सारे ईसाई हैं, और जीसस को अवतार मानने वाले खास करके ये पोप वाले हैं, तो मैं उन सब की बात नहीं कर रहे हूं, वो उनके यहाँ के अलग अलग पंथ 16-17-18 पंथ हैं उनके, उनमें से एक मुख्य पंथ उनको कैथोलिक पंथ है, बाकी बात कर रहे हूं। तो वो लोग यूं कहें कि ये जो जीसस क्राइस्ट को जो अवतार है वो भगवान की परम अनुग्रह तुमको प्रकट करने के लिए उनने जीसस क्राइस्ट के रूप में अवतार प्रकट किया, भगवान को जो अनुग्रह है वो ही साक्षात जीसस क्राइस्ट के रूप में मूर्ति धारण करके प्रकट भयो है। और ये जो जीसस क्राइस्ट को अवतार है वो एब्सोल्यूट है, माने या के संदर्भ में है वा के संदर्भ में, ऐसे नहीं, या को संदर्भ और वा को संदर्भ क्या, ध्यान से समझो, क्योंकि इनके यहां पहले ऐसे माने जाते तो
क्योंकि जब क्राइस्ट जन्मे होता तब वो खुद ऐसा कहता था कि मैं यहूदियों के उद्धार के लिए आया हूं और यहूदियों को मैं राजा हूं, भगवान को भेजो भयो बेटा हूं। तो बाद में उन्हें वह जीसस क्राइस्ट के विधान को महत्व घटा दियो कि नहीं ये तो, क्योंकि वो यहूदियों के बीच में है तो जन्मे हो तो या लिए यहूदी कह रहे हो तो, पर वस्तुतः तो वो यहूदियों के लिए नहीं, मनुष्य मात्र के लिए प्रकट भयो भगवत अवतार है। यहूदियों के लिए प्रकट भयो भगवत अवतार नहीं है, वो उनने पीछे से अपना स्टैंड रिफाइन किया कैथोलिकन ने। मूल में जीसस हर वक्त यही कहते थे कि सो मैं यहूदियों के लिए उद्धार के लिए प्रकट हूं, पर कैथोलिकन ने वाको ऐसा मतलब लियो कि क्योंकि वो उनके सामने यहूदी होते सब या लिए वो ऐसे बोले, दरअसल वो मनुष्य मात्र के लिए अवतर हुए भगवान को कृपा को अवतार है। तो या अर्थ में एब्सोल्यूट है, मैंने यहूदीन के अर्थ में वो अवतार नहीं है पर मनुष्य मात्र के लिए अवतार है और इररिवोकेबल है। ये इररिवोकेबल को मतलब पाछा ध्यान से समझो, ये मुसलमानन के कारण वो लोग कह रहे हैं कि इररिवोकेबल है, क्योंकि मुसलमान लोग भी ईसा को भगवान को नबी माने हैं, मसीहा माने हैं, भगवान को भेजे हुए मसीहा माने, पर मुसलमान लोग यूं कहें कि वो मोहम्मद साहब जब तक नहीं जन्मे थे तब तक भगवान को मैसेज, भगवान को संदेश वाहक ईसा आते, और मोहम्मद साहब के आने के बाद वो उनकी संदेश वाहकता को स्विच ऑफ हो गया, ऑनवर्ड वो भगवान की संदेश वाहकता केवल मोहम्मद पैगंबर तक ही सीमित है, जब उनको कलमा है मुख्य ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह,